Hello students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in safe classes, that is simple and fun education. So, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था द टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस और उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं ठीक है तो ऑटोट्रॉप्स क्या थे वो ऑर्गेनिज्म ऑटो मतलब क्या था कि खुद से और फिर उसके बाद जो ट्रॉप वर्ड था उसका मतलब क्या था न्यूट्रिशन कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहे थे खुद से बना रहे थे वो ऑटोट्रॉफिक थे और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था हमारा जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अदर्स मतलब हेटरो का मतलब क्या था अदर्स और न्यूट्रिशन के लिए वर्ड था ट्रॉप्स तो हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना क्या कर रहे थे फूड ले रहे थे तो वो क्या थे हमारे हेटरोट्रॉप्स तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो कवर कर लिया कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं ठीक है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो किस तरीके से उस प्रोसेस को करते हैं और स्टोमेटा क्या होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होगा और कब वो क्लोज होता है तो वो सब टॉपिक हमने पीछे वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर कवर कर लिया है अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला ठीक है यानी कि मतलब जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं हेटरोट्रॉप्स क्या है याद रखना हेटरो का मतलब अदर्स और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन यानी कि जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं तो अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या यानी कि हेटरोट्रॉप्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है और इसमें हम लोग जो आज की वीडियो में हमारे टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन सा होगा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है अमीबा क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही सेल होती है उनकी बॉडी के अंदर और यही जो एक सेल होती है वो सारा काम करती है ठीक है और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं वो जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं और हर एक जो काम होता है ना उनका वो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करती हैं ठीक है तो आज के टॉपिक में हम लोग जो न्यूट्रिशन कवर करेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक है जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे वो किस तरीके से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेंगे और इसमें एग्जांपल है आपका एक अमीबा का और सेकंड क्या है हमारा पैरामीशियम का तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू चलिए अब स्टार्ट करते हैं दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट अब क्योंकि हमें पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे अदर ऑर्गेनिजम्स पे ठीक है उससे वो रेडीमेड फूड लेते हैं तो ये जो रेडीमेड फूड होता है वो उनको कहाँ से मिलेगा या तो वो उनको प्लांट से मिलेगा या वो एनिमल से मिलेगा जैसा कि हमने पहले कहा था ना कि हेटरोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डायरेक्टली जैसे कि आपने काऊ देखी होगी तो काऊ क्या करती है प्लांट को डायरेक्ट ईट कर रही है बट इनडायरेक्टली में एग्जाम्पल किसका आएगा लोयन का क्या कभी लोयन को ग्रास खाते हुए देखा है नहीं लोयन क्या खाता है डियर खाएगा या कोई और एनिमल खाएगा वो किसी और हर्बीवोर एनिमल को यानी कि जो कि खुद घास खा रहा था जैसे कि काऊ हो गया डियर हो गया रैबिट हो गया वो उनको फीड करता है उनके ऊपर उनको खाता है वो है ना तो वो क्या है हमारा इनडायरेक्टली ले रहा है न्यूट्रिशन किससे प्लांट से तो जितने भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं ना वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं या तो वो डायरेक्टली ले लेंगे या वो इनडायरेक्टली लेंगे डायरेक्टली लेंगे तो क्या करेंगे प्लांट को ईट करेंगे इनडायरेक्टली ले रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या करें दूसरे एनिमल को ईट कर रहे हैं जिससे उनको एनर्जी मिल रही है तो अब इस फूड हैबिट के ऊपर डिपेंड करते हुए फूड हैबिट किस तरीके की मतलब वो प्लांट से ले रहा है एनिमल से ले रहा है या दोनों से ले रहा है तो इस फूड हैबिट के को देखते हुए जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना उनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा है ना पहला क्या है आपका हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स क्या होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं ठीक है हर्ब्स हर्बीवोर किससे बना हर्ब्स से हर्ब्स खा रहे हैं ठीक है तो इसमें एग्जाम्पल आ गया किसका काऊ का रैबिट का सेकेंड जो है वो क्या है कार्निवोर्स कार्निवोर्स क्या होंगे जो कि मतलब कि दूसरे एनिमल को खा रहे हैं यानी कि किसी और एनिमल को खा रहे हैं और वो प्लांट्स नहीं खाएंगे ये याद रखना है आपको कि वो प्लांट्स नहीं खा रहा क्योंकि वो कार्निवोर है तो वो प्लांट नहीं खाएगा तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा आपका फ्रॉग का और थर्ड क्या आपका ओमनीवोर जो कि दोनों खाएंगे दोनों मतलब प्लांट्स भी खा रहा है वो और एनिमल भी खा रहा है तो अगर दोनों के ऊपर वो दोनों ही चीज़ों से अपना फूड ले सकता है अगर उसको प्लांट मिलेगा तो वो प्लांट खा लेगा अगर प्लांट नहीं मिलता है और एनिमल मिलता है उसको तो एनिमल खाएगा ठीक है तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बोलेंगे ओमनीवोर्स ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि हर्बीवोर क्या होते हैं कार्निवोर क्या होते हैं ओमनीवोर क्या होते हैं और ये आपने पहले की अभी तक की जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए न्यू टर्म नहीं है स्टिल अगर आपको इनके बारे में नहीं पता था तो इनको याद रखिएगा ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक जो कि मेन टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है
ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये वो एनिमल्स है ना जिनके अंदर मतलब एबिलिटी ही नहीं है कि वो खाना बनाएंगे. ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि प्लांट्स के पास एबिलिटी होती है, वो खुद खाना बनाएगा. कैसे होती है वो एबिलिटी उनके पास? क्योंकि उनके पास क्या था? क्लोरोफिल. क्या था उनके पास? क्लोरोफिल. लेकिन एनिमल्स के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो इस वजह से वो अपना खाना क्या है, खुद नहीं बना पाता. अब वो खाना खुद नहीं बना रहे तो वो क्या करेगा, किसी और से लेगा. तो उस केस में जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, उसका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा. अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ले रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लेगा. अब इनके टाइप्स की मतलब हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 टाइप्स के अंदर, कि मतलब वो किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका इसका, सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक जो होंगे वो क्या होंगी, डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि कोई भी जो चीज़ खराब हो रही है, गल रही है, या कोई एनिमल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो उस चीज़ के ऊपर रहता है और उस डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेता है. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, फंगी का एग्जाम्पल आएगा. अब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से कैसे लेगा, तो क्योंकि फंगी क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक है या फिर कुछ एक जो होते हैं हमें विजिबल भी होते हैं आई से, तो उस केस में वो क्या करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा ना उसको बॉडी के बाहर सिक्रिएट करेगा, उस फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करेगा और वहाँ से क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये इस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं. सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का है, मतलब जो टाइप है इसकी वो पैरासिटिक है. तो पैरासाइट जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी, कि पैरासाइट्स क्या करते हैं, या तो वो अंदर रहेंगे, ठीक है, या तो वो इनसाइड रहेंगे, या ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके बॉडी सरफेस के ऊपर रह करके वो उससे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी उससे वो बेनिफिट ले रहा है. अब इस केस में याद रखना आप कि जो पैरासाइट्स होते हैं उनको हमेशा बेनिफिट होता है, ठीक है, और जो होस्ट कौन, जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है ना, तो जो होस्ट होगा उसको हमेशा नुकसान होगा और जो पैरासाइट होगा उसको हमेशा बेनिफिट होगा. ठीक है, क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, लेकिन जो होस्ट है वो तो अपने कोई चीज़ है वो उसको दे रहा है, तो उस केस में उसको तो लॉस ही हो रहा है. तो इसलिए जो पैरासाइट्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और एक को क्या होगा, लॉस होगा. जिसे बेनिफिट हो रहा है वो कौन होगा, पैरासाइट जो कि रह रहा था, और होस्ट कौन होगा, जो होगा उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. अब प्लांट्स में इसका एग्जांपल आ जाता है कुस्कुटा का, जिसे हम क्या कहते हैं, अमर बेल. ठीक है, जो प्लांट्स में एक कुस्कुटा का एग्जांपल है जिसे हम अमर बेल कहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो कि आपने देखा भी होगा जब भी आप कहीं विजिट करते हैं, तो क्या होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं बहुत सारे, लाइट ग्रीन कलर के या फिर लाइट येलो कलर के, तो वो क्या है, अमर बेल है. वो क्या करती है, उस प्लांट के ऊपर ही रहती है और धीरे धीरे ग्रो होती रहती है. लेकिन उसको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी उसको हमने कहा ना कि फूड चाहिए, वो फूड कहाँ से ले रही है, वो उस प्लांट से ले रही है जिसपे वो ग्रो कर रही थी. इसके अलावा जो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं वो क्या होते हैं, लीच. लीच तो सबने ही देखा होगा, है ना, लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है. एक बार जब वो बॉडी से अटैच होती है तो क्या करते हैं, खून चूसती है उस ऑर्गेनिज्म का, या किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर अगर वो स्टिक होगी तो उससे क्या करेगी, ब्लड सक करेगी. तो वो तो अपना न्यूट्रिशन ले रही है, उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिसका वो ब्लड चूस रही थी उसको तो नुकसान हो रहा है ना. तो इस वजह से जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है वो उसमें एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को लॉस होगा. थर्ड जो टाइप है वो हमारा क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको इसको याद रखना पड़ेगा. अब देखो, होलो 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 है ना, तो होलो मतलब होल, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स या सॉलिड फूड होगा, उस फूड को जो एनिमल होगा वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, और बॉडी के अंदर ले जाने के बाद उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स या सॉलिड फूड खाया. अब वो जो सॉलिड फूड था वो बॉडी के अंदर ले लिया, अंदर जाने के बाद वो चीज़ क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, टूट जाती है, तोड़ देते हैं उसको, और वो टूटेगी तो क्या होगी, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी. अब वो सिंपल फॉर्म को क्या करेगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको यूज़ करेगा एनर्जी के लिए. तो जो इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. अब ये वाला किससे ज़्यादा रिजेंबल हो रहा है, या हम लोग जो खाना खाते हैं डे टू डे लाइफ में, इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला है जो कि हमारे अंदर हो रहा है? क्या हम डेड डिकेइंग मटेरियल खा रहे हैं? नहीं. क्या हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट रह करके ले रहे हैं? नहीं. तो हमारी बॉडी में कौन से टाइप का होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो, फिर हम उसको यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए. तो ये क्या थे, 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी होलोजोइक वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड की। तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इंजेशन। क्या होता है वो, इंजेशन। ठीक है, अब इंजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले खाना तो तब डाइजेस्ट होगा जब तुम उसको खाओगे, है ना। तो इंजेशन का मतलब क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं यानी कि जब आप फूड जो है वो अपना माउथ में डालोगे तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम इंजेशन कहते हैं, यानी कि जो फूड है वो बॉडी के अंदर लिया जा रहा है तो वो क्या होता है, इंजेशन होता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सेकेंड स्टेप आएगा इसका वो कौन सा होगा, हमारा डाइजेशन। क्योंकि हमने पहले ही कहा ना कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था हमारा वो किस तरीके का था, कि उसमें एक सॉलिड फूड लिया या कॉम्प्लेक्स फूड लिया है वो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है होलोजोइक में वो एक वो प्रोसेस है जिसमें वो एक कॉम्प्लेक्स जो फूड हम खा रहे थे ना उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब जो फूड था वो हमने खा लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया। उसके बाद हमने खाना खाया ही क्यों था, हमने खाना खाया था क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी। तो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, अब एनर्जी के पहले क्या होगा कि उस फूड को एब्जॉर्ब भी करो, तो वो फूड क्या होगा, हमारा एब्जॉर्ब होगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो नहीं पड़ा रहेगा ना, उस फूड को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, वहां से ट्रांसफर भी करना पड़ेगा ताकि बॉडी उसको यूज कर सके। तो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो फूड होगा जो डाइजेस्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो हमारा मेन फूड लेने का पर्पस था वो क्या था, एनर्जी लेना, ग्रोथ करना, है ना, या फिर जो भी बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना। तो उस केस में जो थर्ड स्टेप, सॉरी जो फोर्थ स्टेप होगा वो हमारा क्या होता है इसके अंदर, एसिमिलेशन। ठीक है, जो ये वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया है ना उस फूड को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज कैसे करेगा, जिस काम के लिए खाना खाया है, किस काम के लिए खाया था खाना हमने, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट, अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या है, हम इसको यूज कर लेंगे। तो एसिमिलेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इजेशन। अब सारा का सारा खाना तो पचता नहीं है ना बॉडी के अंदर, काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, तो वो जो वेस्ट बन गया है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो एक तरीके से वेस्ट ही है। तो लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, थ्रो आउट कर देना आउटसाइड सब बॉडी। तो ये स्टेप्स हैं जो कि एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में रहते हैं हमेशा और आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये स्टेप्स लर्न कर लिए हैं तो फिर आप जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होगा, पैरामीशियम के अंदर होगा, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जब हम न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरीके का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पे भी आपको ये स्टेप्स बहुत हेल्प करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से थे, पहला था इंजेशन, सेकेंड वॉज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमने डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में कि हम इस वीडियो के अंदर अमीबा और पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे, यानी कि यूनिसेलुलर या जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है वो स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का होता है। तो स्टेप्स याद है ना जो हमने स्टार्टिंग में स्टेप्स डिस्कस किए, 5 स्टेप्स। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है इसमें, इंजेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो डायग्राम है इस प्रोसेस में सबसे पहला जो डायग्राम है वो क्या है आपका, इंजेशन का है। तो जब भी देखो, अब हमारे पास तो हाथ है तो हम लोग तो हाथों से अपना खाना उठाएंगे और खा लेंगे, लेकिन अमीबा तो यूनिसेलुलर था, उसके पास तो हाथ पैर कुछ भी नहीं है और फूड उसके सराउंडिंग में आ गया तो उसको कैसे कैप्चर करेगा। तो जब भी कोई फूड उस अमीबा के सराउंडिंग में आ जाता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन रिमेंबर जो सेल के बाहर की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो, तो वो अपने उस सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है ना। तो ये जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे निकाली ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे वो हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोगों ने क्या बोला है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब फीट, कि ये फॉल्स फीट के तरीके से एक्ट करता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऐसे जैसे लेट सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, तो इसने अपने आप को इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपेंड किया और जो फूड था उसको इसने कैप्चर कर लिया और उसको अंदर ले गया। तो ये जो प्रोसेस थी उसको हम क्या कहेंगे, इंजेशन बोलेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, जो कि क्या होगा, इंजेशन के बाद खाना अंदर चला गया, उसके बाद क्या करेंगे, सॉलिड फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको तोड़ा है, तो उस फूड को अब क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा,
है ना, यानी कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जो सेकंड प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इसके अंदर डाइजेशन, है ना। अब जब वो फूड उसने कैप्चर किया, उस फूड को अंदर ले गया, तो वो फूड अंदर जाने के बाद एक वैक्यूल बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये फूड वैक्यूल था, इसके अंदर फूड प्रेजेंट है। अब जो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, जो कि इस फूड वैक्यूल के सराउंडिंग में, वो क्या करेगा, इसके अंदर, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कि जो कि उस फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तोड़ने में हेल्प करेगा, उन एंजाइम्स को इस फूड वैक्यूल के अंदर सेंड कर देता है। और वो एंजाइम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपल फूड के अंदर। और जो फूड था वो क्या हो गया, अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सिर्फ तोड़ना ही तो नहीं था ना, उसको एब्जॉर्ब भी करना है, यूज भी करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, यानी फूड जो उसने डाइजेस्ट कर दिया, उस फूड को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये जो आउटसाइड एरो शो कर रही है इस फूड वैक्यूल से, वो क्या शो कर रही है, कि जो भी उस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड था, उसको उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि वो अब बॉडी के अंदर, उस अमीबा की बॉडी क्या है, एक सिंगल सेल ही था ना, उस सिंगल सेल के अंदर वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसफर होने के बाद क्या करेगा, वो उसको यूज करेगा। ट्रांसफर होने के बाद वो क्या कर रहा है, उस फूड को क्या करेगा, यूज करेगा, यानी कि उसको क्या कर रहा है, वो एसिमिलेट कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, यानी कि अपने धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाएगा, ठीक है। अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये धीरे धीरे अपना सेल का साइज इंक्रीज करेगा, या फिर इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है कोई काम करने के लिए, तो उस चीज में इसको यूज कर लेगा, यानी कि एसिमिलेट करेगा, उसको यूज कर लेगा, जो भी उसने फूड लिया है उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ ऑफ रिपेयर के लिए, या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। अब सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो फूड बचा ना अंदर, जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया, तो अब उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि वो तो काम का ही नहीं है, और काम का नहीं है तो बॉडी के अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। अब ये याद रखना है आपको कि अमीबा के अंदर ना कोई एक ऐसा स्पेसिफिक साइट नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर साइट नहीं होता कि वो उसी पर्टिकुलर पार्ट से क्या करेगा, जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा। तो जब भी एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेस्ट इसके वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम पे वो वैक्यूल क्या करता है, धीरे 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 कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और एंड में क्या करेगा, उस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, और वहां से फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो भी वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा। एक्सोसाइटोसिस, रिमेंबर पिछली क्लास में पढ़ा था, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, कि रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो यूजफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जो कि किसी भी सेल के अंदर बनते हैं, तो उसको जब कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाहर निकालते हैं, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आपका एक्सप्लेनेशन था किसका, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे टेक प्लेस करते हैं। जब भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना के और फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैंने इसके लिए आपके एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर इनको जो नोट्स होंगे वो आप अपने बना सकते हो, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस उनको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, कि पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। सेम फाइव स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो उसमें क्या होंगे, पांच स्टेप सबको याद रखने हैं, वही पांच स्टेप होंगे। बस इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, इंजेशन वाला, वो डिफर करता है किससे, अमीबा से। अमीबा में क्या था, उसने सूडोपोडियाज जो थे उसके वो बनाए थे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, हल्का सा डिफर करता है। जो पैरामीशियम है ना, इसकी जो बॉडी होती है, जो पैरामीशियम की हमारी बॉडी है वो क्या है, हेयर, एज यू कैन सी, इसकी जो बॉडी है ना वो किससे कवर्ड है, काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो जो इसकी बॉडी है ना, वो सीलिया के थ्रू क्या है, कवर्ड है। और ये जो सीलिया होंगे वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं वाटर के अंदर, तो जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है, और इसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स होंगे उनको कैप्चर करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब भी ये सीलियास क्या करते हैं, वाटर के अंदर मूव करते हैं ना, तो इसके सराउंडिंग में जो वाटर होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग में, तो इसके सराउंडिंग में जो भी वाटर होता है ना, वो सारा का सारा पानी क्या होगा, वो भी मूव करना स्टार्ट करेगा, और उस वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फिर इसके अंदर एक स्पेशल पोर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलेंगे। तो ये पोर प्रेजेंट होगा जहाँ से कि जो फूड होगा वो एंटर करते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो जब ये जो सीलियाज होते हैं इसके मूव करते हैं, तो पानी मूव करेगा, पानी मूव करने के साथ साथ जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इसका जो साइटोसोम है, यानी कि इसका माउथ है पैरामीशियम का, उस माउथ के पास आएगा और यहाँ से क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर जो फूड होगा वो इनटेक होगा, यानी कि जो फूड था वो उसने क्या कर लिया है, इनटेक किया है, इंजेशन कर लिया है, और फिर उसके बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल बनेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो फूड वैक्यूल को फॉर्म कर देगा, और जो फूड वैक्यूल है वो बन गया है इसकी बॉडी के अंदर, और फिर सेम प्रोसेस जो कि हमने पहले अमीबा के अंदर पढ़ी, सेम प्रोसेस रिपीट होंगी। कौन कौन सी, इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, जो फूड वैक्यूल्स होंगे उनके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे एंटर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो फूड होगा वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो उसको एसिमिलेट करेगा, यूज़ कर लेगा। वो यूज़ किस फॉर्म में करेगा, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए उस एनर्जी को यूज़ कर लेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट बच गया उसकी बॉडी के अंदर उसको वो क्या करेगा, बॉडी से एक्सपेल कर देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स। कौन कौन से हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर टेक प्लेस करते हैं, और हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का होता है। तब तक के लिए बाय, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय।